सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृष्णा वर्सेस एमिवे के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, शिव भाई जो कि एक रिएक्शन चैनल चलाते थे शिव रिएक्शन किंग के नाम से, तो भाई ने जो है सुसाइड कर लिया है। आप में से ज्यादातर लोग जो है उनको जानते ही होंगे, तो ये काफी शॉकिंग न्यूज है। RIP ब्रदर। तो बढ़ते अपडेट की तरफ, तो जैसे कि आपको पता ही होगा अभी जो है डिस सीन चल रहा है कृष्णा और एमिवे के बीच में, और ये डिस सीन जो है काफी ब्रूटल होता जा रहा है। अब ट्रैक्स के अंदर जो है दोनों एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में भी बोलने, और जो लास्ट ट्रैक आया था एमिवे की तरफ से KR-Shine, उसके अंदर जो है एमिवे ने रफ्तार को भी डायरेक्टली डिस किया हुआ है, उनके भी कुछ पर्सनल मैटर्स के बारे में बोला हुआ है। तो ये बीफ जो है दिन भर दिन काफी ब्रूटल होता जा रहा है। अब सब लोग जो है कृष्णा के रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। काफी रैपर्स इस बीफ गेम पे रिएक्ट भी कर रहे हैं, काफी नहीं भी कर रहे हैं। सो अभी रिसेंटली जो है योयो हनी सिंह पाजी ने एक इवेंट पे जो है डिस कल्चर पे रिएक्ट किया है। आप खुद सुन लो उन्होंने क्या कहा हुआ है। एक मैसेज टू द पीपल, सिर्फ प्यार करो, मोहब्बत करो, गाने सुनो, पार्टी करो, मौज करो, ऐश करो, नो डिसिंग, नो डिसिंग। सो हनी पाजी भी यही चाहते हैं कि सब कुछ जो है बहुत जल्द नॉर्मल हो जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि ये बीफ गेम जो है जल्द खत्म होगा। हाँ, वो अलग बात है कि एमिवे के KR-Shine ट्रैक पे जो है कृष्णा या फिर रफ्तार रिएक्ट ना करें, मतलब कि कोई डिस्ट्रैक्ट ना निकाले अब एमिवे को रिप्लाई देने के लिए, तो तब शायद ये बीफ गेम जो है ओवर हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है ये सब अभी खत्म होने वाला है। तो यार अभी के लिए बस इतनी अपडेट्स है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग हिप हॉप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर ले, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।